तो आज हम लोग देखेंगे हाउ टू यूज़ डी एम आर गन्स। ओके, डी एम आर जो है अभी कौन कौन सी डी एम आर है, रेगनो हो गया, यहाँ पे देख ही लेते हैं, रुक जाओ। ये डी एम आर आ गया, यहाँ पे अभी देखते हैं। ये सब जितना नाम लिखा हुआ है सब डी एम आर से, तो हम लोग ज़्यादातर जो गन यूज़ करेंगे ठीक है उसी का थोड़ा देखेंगे, जो ज़्यादा अवेलेबल है आसानी से मिल जाती है। ये MK12 ठीक है, और एक 7 का लेंगे, ड्रैगन ऑफ का ना, ड्रैगन ऑफ का बाद में बताऊंगा मैं, अभी पहले SLR का ले रहा हूँ। और ये हमारे पास कौन सी ये है गन, MK12 ठीक है। तो MK12 का देखो रिकॉइल बहुत ही अच्छा है, देख रहे हो। अभी देखो मेरे हिसाब से ठीक है, मतलब मैंने एक वीडियो भी देखा था, वो फ्लू FLUDD ऐसा तो कुछ स्पेल था उसका, फ्लूट के मतलब वो वीडियो के अनुसार मैंने भी वो चेक किया है। मैं उसका भी वीडियो लिंक पे दे दूंगा ठीक है, आप लोग चेक कर लेना, जैसे देख लेना। तो उसने उसके वीडियो में कहा था कि DMR को हमेशा 2 के राउंड में चलाएं, मतलब 2 क्लिक ठीक है, ऐसा मतलब 3 भी नहीं 4 भी नहीं, उसने हमेशा किया जब भी चलाए 2 2 क्लिक करें, समझ रहे हो। तो मैंने उसको प्रैक्टिस किया, थोड़ा देखा कि बंदा तो सही बोला है भाई, DMR तो सही है 2 के राउंड में। थोड़ी सी फर्स्ट फर्स्ट आपको वो लगेगी, लेकिन कोशिश करना कि 2 बुलेट उसको लगे, 3 बुलेट भी नहीं ठीक है। और बाकी आप लोग अटैचमेंट देख सकते हो, अटैचमेंट ना भी हो कोई बात नहीं ठीक है, अटैचमेंट के बिना भी प्रैक्टिस करो, ऐसा नहीं है कि अटैचमेंट चाहिए तो ही होगा, अटैचमेंट के बिना प्रैक्टिस करो तो ज़्यादा मतलब, क्योंकि अटैचमेंट कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही जाएगा ठीक है। तो अगर आपकी प्रैक्टिस अटैचमेंट के बिना रहेगी, और जब इन गेम पोजीशन में आपके पास कुछ भी अटैचमेंट रहेगा, तो आपका मतलब परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, समझ रहे हो। तो मतलब 2 के राउंड में चला है, 1 2 1 2, 3 भी नहीं ठीक है, 1 2। अटैचमेंट के बिना थोड़ा सा मतलब वो होता है ठीक है, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे बहुत फास्ट है, मतलब प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतना फास्ट होगा, कहने का मतलब यही है मेरा ठीक है। बस दो दो बुलेट ऐसे, 3 हो गया ना, 1 2 चलो अब SLR का चेक करेंगे। तो SLR यार, एमओ चाहिए, एमओ SLR की एमओ। चलो SLR का भी सेम है ठीक है भाई, कोशिश करो 2 बुलेट मारने का उसको, और SLR की एक खासियत क्या है जानते हो, SLR और MK12 की खासियत यह है इसका बुलेट ड्रॉप ही नहीं है, और काफ़ी क्विक फायरिंग है, समझ रहे हो, मतलब कुछ कुछ डिले नहीं है, बस SLR की थोड़ा सा कंट्रोल समझ में आना चाहिए। जब ऐसा एक शॉट मारोगे ना, देखो मैं दिखा रहा हूँ एकदम सीधा है ठीक है, वन शॉट देखो मेरी गन कैसे ऊपर जाती है, ये देखो ठीक है, मैं माउस हिला भी नहीं रहा हूँ अब तो, ये देखो ऑटोमेटिक नीचे आती है, एक गन मार के ऊपर चली जाती है। तो हम लोगों को जब 2 शॉट मारनी है, तो जब दूसरा शॉट आएगा तो माउस को थोड़ा सा नीचे करके बस मारना है, 1 2 ठीक है, 1 2 1 2, मतलब थोड़ा सा डिले है, मतलब MK12 के कंपेरिजन में थोड़ा सा हल्का डिले है। अभी देखना 1 2, देखा 1 2, मतलब
थोड़ा सा मतलब अभी प्रैक्टिस करते करते आप लोगों को पता चलेगा कि ऐसे जल्दी नहीं चला सकते इसको। देखो जल्दी देखो तो क्या होगी, कनेक्ट नहीं होगी अच्छे से, मतलब थोड़ा सा डिले दोगे बस। 1 2 ऐसा, देखो देख लिया, 1 2 दे दिया ना डिले, थोड़ा सा डिले दोगे उधर ही जाएगा, 1 2 ऐसा। तो यही बस यही बोलना चाहता था मैं। और इसका क्या है, कुछ डिले का ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि रिकॉइल ही नहीं है, वो एक बुलेट जहाँ पे जा रही है दूसरी बुलेट भी उधर ही जा रही है, इसीलिए लोग ज़्यादातर MK12 लेंगे। लेकिन थोड़ा सा डिले देने से और अच्छा हो जाता है, वो आपके ऊपर है, आप जैसे मतलब कंफर्टेबल हो चलाने में। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि DMR को 2 बुलेट पे यूज़ करें, मतलब टू क्लिक पे यूज़ करें, 2 बार क्लिक करें, ठीक है, हमेशा हमेशा कोशिश करो। और एक एक्स्ट्रा चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास DMR है, ठीक है, अगर कहीं पे स्मोक हुआ है, ठीक है, अगर आपके पास बुलेट नहीं भी है, 100 भी है, तो भी उस पर कम से कम 50 मार दो, क्योंकि DMR एक ऐसी गन है, बंदा अगर एक दो भी बुलेट लगता है ना, वो एकदम बौखला जाएगा भाई, समझ रहे हो। अगर टीम के साथ खेल रहे हो, सिंगल वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हो या फिर सिंगल खेल रहे हो, तो वो अलग सिचुएशन है। लेकिन अगर स्क्वाड के साथ खेल रहे हो, तो कोई मैं तो कहूँगा स्मोक में अगर किसी के पास DMR है, तो कोई एक बंदा शॉट लेते रहे, क्योंकि उन लोगों का बहुत ज़्यादा वो होता है। चलो मैं अभी लास्ट ड्रैगनॉप के बारे में भी कुछ बोलना चाहूँगा। ड्रैगनॉप किधर है भाई, ड्रैगनॉप, चलो DMR आगे, ये है ड्रैगनॉप, ठीक है, ड्रैगनॉप ले लिया, अभी हम लोग वही देखेंगे क्या हो गया। अच्छा ले लिया ड्रैगनॉप, अरे अरे अभी देखो ड्रैगनॉप को कैसे यूज़ करना है। ड्रैगनॉप का SLR और MK12 की तरह नहीं यूज़ कर सकते, समझ रहे हो। ड्रैगनॉप अगर हाथ में है, उसको हमेशा स्नाइपर की तरह यूज़ करना पड़ेगा। वो है तो DMR, मतलब मेरे हिसाब से, ठीक है, अभी बाकी पता नहीं है, लेकिन मेरे को जितना सही लगता है मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे को जैसा लगता है कि DMR मतलब अगर ड्रैगनॉप चला रहे हो, तो उसको वन वन शॉट के हिसाब से खेलो, वन शॉट, ठीक है। मतलब हम लोग जब स्नाइपर चलाते हैं, कोई भी SR चलाते हैं, स्नाइपर राइफल चलाते हैं, वहाँ पे किस तरह से खेलते हैं, तो सेम उसी तरह से इसको भी करना है, ड्रैगन ऑफ चलाना है। और ड्रैगन ऑफ का एक बात बता दे रहा हूँ मैं फिर से, ड्रैगन ऑफ की बुलेट ड्रॉप काफ़ी ज़्यादा है, 150-200 मीटर दूर जब कोई भी मतलब शॉट लेना हो आपको, तो ध्यान से लेना है, और मेक श्योर कवर आपके पास होनी चाहिए, कवर के बिना शॉट ना ले ओपन में, क्योंकि उसके पास अगर MK12 या फिर कोई भी दूसरी गन हो जिसका बुलेट ड्रॉप नहीं है, समझ रहे हो, और सामने आपको ओपन में, ओपन से आप फाइट ले रहे हो, देखो 200 मीटर यहाँ से है, तो बुलेट ड्रॉप है, आपको पता नहीं चलेगा, आपको ऐसा लगेगा कि बुलेट तो जा रही है, लेकिन जब इन गेम खेलते रहोगे ना, जब लगनी चाहिए बंदे को तब नहीं लगेगी। और 300 मीटर पे तो भाई कभी कभी तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, और कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि बहुत तगड़ी चल रही है, समझ रहे हो। लेकिन ड्रैगनॉप स्क्वाड में मेरे हिसाब से एक बंदे के पास ड्रैगनॉप होना चाहिए, क्योंकि ड्रैगनॉप एक ऐसा गन है, जब क्लोज रेंज फाइट होती है ना, जब मतलब हम लोग कहीं पे जाते हैं या फिर कोई आता है हमारे पे, तो एक क्लोज रेंज फाइट होती है, कम से कम मान लो 30-40 मीटर में या 50 मीटर के अंदर, ठीक है, एक क्लोज रेंज फाइट होती है, उस पर जब क्विक नॉक निकालना हो, मतलब क्विक नॉक एकदम जल्दी से फटाक फटाक से नॉक निकालना हो, उस टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा असरदार है ड्रैगनॉक। बस एक शॉट, वन शॉट चाहिए इसका, और कुछ नहीं, एक शॉट इसको हेड पे लगना है, और है अगर हेड पे नहीं लगा तो 2 शॉट कहीं पर भी मार दो इसके, हैं मतलब पैर के ऊपर के पोजीशन में, ठीक है, 2 शॉट में बंदा डाउन है,
ज़्यादातर एक में ही हो जाता है, लेकिन दो शॉट ड्रैगनोप का काफ़ी है। और ड्रैगनोप को हमेशा एसआर की तरह यूज़ करें, इसको इसको थोड़ा टाइम ज़्यादा ले, मतलब एसएलआर से थोड़ी और 1 सेकंड ज़्यादा ले। ठीक है, बस इतना ही था भाई। आप लोग प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करते करते आप लोगों का ये सही हो जाएगा। ड्रैगन ऑफ का डैमेज देखो, कोई कोई बुलेट वहाँ तक, हम मेरे यहाँ से तो निकली है लेकिन वहाँ तक पहुँची नहीं है, कुछ कुछ बुलेट 300 मीटर तक, समझ रहे हो। और ये सिर्फ आपको गेम में समझ में आएंगी, ये यहाँ पे नहीं समझ में आएंगी। ये पहुँच गई, ये पता नहीं किधर गई। हाँ ये पहुँच गई, ये पहुँच गई, ये पता नहीं किधर गई, पहुँची कि नहीं। ऐसा ही है, बुलेट ड्रॉप काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 100 100 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर। अभी कोई बोलेगा कि हमको पता कैसे चलेगा, ठीक है ये सब ना बोलना भाई लोग। हाँ अभी मैं ये भी दिखा दे रहा हूँ, ये मैप दबाओ, ठीक है, कोई भी मैप हो, कोई भी मैप हो, थोड़ा जूम करो मैप को। जूम करने के बाद आपको यहाँ पे बॉक्स दिखेगा, ये देखो बॉक्स दिख रहा है ना, ये बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स जो है ना स्क्वायर में, ये 100 मीटर का है, कहीं से कहीं भी 100 मीटर। अगर मान लो आप यहाँ हो, यहाँ तक 100 मीटर है, आप यहाँ हो, यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर है, स्क्वायर में ये सब 100 मीटर है। क्यों, आज जेएमआर का ये मैं बताना चाह रहा था तो बता दिया। चलो और भी किसी के ऊपर वीडियोस चाहिए, अगर मैं ऐसे होगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू भाई लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।